आप हम लोगों ने जैसे कि आप जानते हैं स्टार्ट किया हुआ है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे बुलिमिया नर्वोसा. ये बेसिकली हमारे पास एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है. इट इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर इन स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स. इट इज टू रिलेटेड टू द गर्ल्स लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा. न्यूरोटिक इज अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस और इमोशनल डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो है ये मोस्टली ओल्डर गर्ल्स के अंदर है. लाइक जैसे हमने पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो उसका अगर ऑपोजिट हम बात करें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है ब्यूलिमिया नर्वोसा. अब इसमें क्या होता है कि जो मोस्टली फीमेल्स हैं गर्ल्स हैं उनके अंदर एक कंपटीशन चल रहा होता है मोस्टली बहुत ज़्यादा खाने का. यदि उनको बहुत क्रेविंग्स हो रही होती है फास्ट फूड ईट करने की या फिर सच थिंग्स फैटी थिंग्स. इट इज कैरेक्टराइज बाय द बाउट्स बाउट्स आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन को. तो ये डिजीज जो है इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है ओवर ईटिंग का फैटिंग फूड, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फैटी कर सकती है ओबेस कर सकती है लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स जो है. तो इस तरह के जो वेशियस ईटिंग है वो बेटे आपके पास बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है. जब आपकी बॉडी रिक्वायर्ड कर ही नहीं रही किसी चीज़ को तब भी आप उसको ईट करते ही जा रहे हैं. तो इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है जस्ट डेफिनेटली वॉमिटिंग लाइक सिचुएशन और फास्टिंग और परगेटिव. परगेटिव का मीनिंग होता है एलिमिनेट कर देना किसी चीज़ को. दैन जैसे वॉमिटिंग होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रेजिड्यू सब्सटेंसेस होंगे इन स्टमिक वो बॉडी से बाहर मूव कर जाएंगे. तो ये आपके पास वक्फे वक्फे के साथ वॉमिटिंग फेस करना पड़ता है आपको. और इसमें कुछ बॉडी के फिजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं लाइक आपकी बॉडी के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी होने लग सकती है, वो भी बॉडी से बाहर रिमूव हो सकती है. अब सीरम आपको पता है हमारे पास जब हम ब्लड से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें देन जो ब्लड प्लाज्मा है उसको आप लोग सीरम का नाम दे सकते हैं. तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका इम्बैलेंस हो सकता है या फिर आपके पास इन्फेक्शन भी अक्सर हो सकती है. निकलिंग होता है अक्सर देना पाया जाता. अब इसके ट्रीटमेंट में अगर हम लोग बात करें तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लेंथी चल सकता है. इनिशियल ट्रीटमेंट में तो बॉडी वेट जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप लोड और अगर हम बहुत ज़्यादा खा भी रहे हैं और ओवर ईटिंग कर रहे हैं देन भी बॉडी का वेट लॉस हो सकता है. क्योंकि जितना चीज़ें हम खा रहे हैं वो फॉरन वॉमिटिंग लाइक है आपकी बॉडी से फॉरन से इलिमिनेट हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं होगी. तो इस सिचुएशन में भी आपकी बॉडी का वेट जो है वो लॉस हो सकता है. तो इसमें नेसेसरी ये है कि आप ट्रीटमेंट जो है वो लें स्ट्रिक्ट सुपरवीजन में. यानी कुछ चीज़ें आप खाएं बट ओवर ईट मत करें लिटिल बिट. तो उसी हमारे पास है ब्यूलिमिया नर्वोसा. इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है पाइल्स. तो पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स बेसिकली हमारे पास सोलन ब्लड वेसल्स को के मैसेज को हम लोग कहते हैं हेमोरॉइड्स. ब्लड वेसल्स बेसिकली स्वेल कर सकती हैं इन द एनल पार्ट. तो जब भी डेफिकेशन या यूरिन रिमूव होता है बॉडी से एक्सक्रीटा तो वो ब्लड वेसल्स बेसिकली फट जाती हैं इन द एनल रीजन एनोरेक्टल रीजन. अब रेक्टम आप लोग जानते हैं हमने पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे फीसिस लिटिल बिट ड्यूरेशन के लिए स्टोर होते हैं. तो उससे नेक्स्ट आपके पास रेक्टम के बाद एनस है. तो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हेमरॉइड्स मैसेज होते हैं डायलेटेड ब्लड वेसल्स के. इसलिए हेमरॉइड्स हम स्मॉलन ब्लड वेसल्स को ही कह रहे होते हैं. टॉर्चुअस वेन्स का मीनिंग होता है फट जाना ब्लड वेसल्स का इस रीजन के अंदर एनोरेक्टल ग्लूकोजा के अंदर. जब ब्लड वेसल्स उस एनल रीजन में फट जाती है ड्यूरिंग डेफिकेशन बस्ट करती है तो फाइनली पेनफुल प्रोसेस जो है वो हो सकता है. यहाँ पे जो आपके पास मैसेज है ये ब्लीड करते हैं यानी हेमोरॉइड्स जो है वो ब्लीडिंग उनसे स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही आपके पास बाउल या फेसिस की मूवमेंट हो रही होती है उस पार्ट से तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफर करते हैं वो आपके
खास जिनको कॉन्स्टिपेशन का ज्यादा इशू रहता है उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलता है. और इसके बाद अगर द अर्ज टू डेफिकेट इज डिप्रेस्ड, अगर उनको जरूरत भी है वो डेफिकेशन की फेसिस रिमूवल की, देन भी वो जो है उस चीज को डिप्रेस करके रखते हैं क्योंकि एक्सपेलिंग ऑफ फेसिस जो है वो हाईली एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा होता है उनके लिए बिकॉज ऑफ द पाइल्स. तो दिस बिकॉज अदर सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम. तो इसी सिचुएशन से हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स फेस करने को आपको देखी जा सकती हैं. द ओनली थेरापी जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप जो है सफाई का ख्याल रखें, गुड हाइजेनिक कंडीशन हो, फूड जो है वो सॉफ्टर फूड जो है वो यूज करें, लाइक जैसे आपके पास फ्रिज और लैक्सेटिव हम बात करें तो क्या फिट हो सकता है ये कि उसके जो आपके पास लीव्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं आप, या फिर हम लोग सैलड लीव्स यूटिलाइज कर सकते हैं, यही वो एक फाइबर के तौर पर एक्ट करते हैं और मटीरियल को रिमूव करवाने में इजीनेस होती है या फिर हेल्प हो जाती है. पेशेंट्स आर एडवाइज नॉट टू सीट ऑन हार्ड सीट, तो जब वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठेंगे तब भी उनके ब्रीथ होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, वो उनके लिए इरिटेटिंग प्रोसेस हो सकता है. और सीवियरिटी अगर सिम्टम्स में आ रही है तो हेमरॉइड्स एंड ब्लड वेसल्स को सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है. नेक्स्ट अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास क्या है, अल्सर है. अगर हम अल्सर की बात करें तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि आपके जो स्टमिक या मेटलिक नाक की इनर वॉल्स हैं उनमें लिटल बिट कुछ सुराख हो जाना, यानी वहां से ब्लीड होने लग जाना. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक एलिमेंट का कैनाल है उसकी जो इनर वॉल है उसके अंदर हाईली थिक म्यूकस कवरिंग है, म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते रहते हैं और वहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती रहती है. और वो स्टमिक के अंदर आप जानते हैं पीएच काफी एसिडिक होती है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो हाई एसिडिक पीएच पे वर्क करता है. तो पेप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है इट्स मीन टू आप ये इस ऑर्गन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गन भी तो प्रोटीन इन नेचर है. तो एंजाइम के एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गन्स को स्टमिक को हम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग वहाँ पे म्यूकस की बनी होती है. तो जब कभी भी म्यूकस की लेयर जो है वो ब्रेक हो जाती है किसी भी वजह से एंड द म्यूकस लेयर ब्रेक्स डाउन, द डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिन टू ईट अवे द वॉल ऑफ स्टमिक और डुओडेना. तो जैसा ही ऐसा देखने में मिलता है कहीं से भी थिन लेयर होती है म्यूकस की तो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम अटैक करते हैं और उसको थिन कर देते हैं वहाँ पे सुराख वगैरह या फिर वो पार्ट जो है वो स्वोलन हो सकता है, ब्लीड कर सकता है, तो इसको हम अल्सर का नाम देते हैं. ओकेशनली कभी कभार ऐसा होता है कि जो अल्सर है इसके रिजल्ट में सीवियर होल जैसे हमने पढ़ा सुराख हो जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दीवार के अंदर. तो इस तरह से हमारे पास जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे आपको पेट फील हो सकती है, दिस लीडिंग टू सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, न्यूमोनिक भी हो सकता है अगर इसको फोरन से ट्रीट ना किया जाए. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर. तो अल्सर की सबसे बेसिक जो वजह है वो आपके पास यही गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक ट्यूब्स की जो बेसिकली स्टमक के अंदर जो है रिलीज हो रहा होता है. तो इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, स्मोकिंग वगैरह स्पाइसी फूड को यूज नहीं करना चाहिए, अल्कोहलिक बेवरेज शराब वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, कॉफी टी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को अवॉइड करना चाहिए. तो पर्सन जो है वो खुद को अल्सर जैसे सिचुएशन से क्या कर सकता है, सेफ कर सकता है. तो ये आपका जो चैप्टर 12 है यहाँ तक वाइंड अप होता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह.